नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हैं काली रावण गांव के अंदर, जो आदमपुर विधानसभा के क्षेत्र में आता है। तो यहां पर कुछ बुजुर्गण और नौजवान साथी बैठे, तो उनसे राय लेंगे क्या चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में, किसका माहौल बना हुआ है, किस पार्टी को वोट देने के ग्रामीण इच्छुक हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अब आदमपुर यानी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ, तो आदमपुर विधानसभा के चुनाव अपना गांव आता है काली रावण आदमपुर में आता है भाई साहब। तो क्या विचार है, क्या राय है वर्तमान में भाजपा की सरकार है, कितना संतुष्ट हो भाजपा की सरकार से? भाई कुछ एक सदस्य है जो संतुष्ट है, कुछ एक कोने, दोनों सी बात है। अपनी क्या राय? अपने राय 50-50 है। क्या कारण है? कारण भाई जो सरकार के काम देखा उनके हिसाब से तो ठीक लग गए, लेकिन हम खुद दूसरी पार्टी ने देना चाहवा तो उस हिसाब से हमने 50-50 दोनों अपना समर्थन है। किसको है? है अपना समर्थन है 50% तो JGP ने, दुष्यंत ने 50% है इसने, खट्टर ने, बाकी मौका बताओ कौन सन देवांगे। अच्छा, एक तो प्रत्याशी ने देख के वोट दोगे या पार्टी देख के वोट? देख मैं बताऊं, दुष्यंत के काम ने देख के तो दुष्यंत ने देने जी कर, हकीकत ये है। लेकिन लहर के हिसाब हूँ अगर चल रहे तो वो फिर खट्टर का नंबर आवा है। बीजेपी के कार्य संतुष्ट हो? ना, बीजेपी के कार्य से कुछ संतुष्ट है, ज्यादा संतुष्ट ही सीखो। प्रति हमारा कोई लेन देन को नहीं, 1% ही देने इच्छुक को नहीं, क्योंकि वो ना तो उसने कदे काम करे। भजन लाल था इतने तो काम बढ़िया करे, भजन लाल का ठीक है, भजन लाल अगर जो होता तो भजन लाल ने वोट गेला के फायदा है भाई, गेला जिताया कुछ ही, 1% भी फायदा को नहीं, 1% भी देने की इच्छुक को नहीं। और बोलो। चलो ठीक है, राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? बलवंत। वर्तमान में भाजपा की सरकार है जी, उनके कार्य से कितने संतुष्ट हो? कार्य ऐसा है कि जैसे मोदी जी को देखते हैं बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, और सरकार के हिसाब से देखते हैं, सरकार की जो भी जो ऐसे सर्वे हुई है हमारे BPL कार्डों की, इस हिसाब से पता नहीं ये सरकार काम नहीं कर रही है या सरकार के नुमाइंदे नहीं कर रहे हैं, इसलिए। खट्टर सरकार से कितना? खट्टर सरकार से बढ़िया चल रही है, सरकार बढ़िया है, वर्तमान में बहुत बढ़िया सरकार है, विकास कार्य खूब हुए हैं, पर गरीबों के लिए इस सरकार के अंदर थोड़ा सा ढील बढ़ती जा रही है, गरीबों के वोट अब की बार BJP सरकार को मुश्किल है। क्या कारण है? कारण ये है कि BPL जो कार्ड हैं और है, इनमें जो इनके नाम काटे गए हैं, इनको जो सामान मिलता है इसमें नहीं मिल रहा है, कोई सर्वे हो रही है इसमें इनके, जो अभी मैंने देखा है मेरा BPL में खुद का नाम है, सर्वे में काटा गया नाम, इस गांव में 7 कार्ड बनाए गए हैं छंटनी करके, जो पता नहीं ये गाँव के सरपंच या मिले हुए हैं अफसर, इनके हिसाब से बनता है। सरकार कह रही है भाई एक बार कर दो फिर अपने को वोट लेना है, गरीबों को तो कुछ सहायता नहीं दे रही है सरकार, बाकी पैसे वालों की खूब सरकार है ये। तो अपने आदमपुर हल्का कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है। आदमपुर हल्के से ऐसा है कि अगर कुलदीप खुद खड़ा होगा तो जीतेगा, अगर और किसी को खड़ा करेगा तो मुश्किल है काम। कुलदीप जी खुद खड़ा होगा तो जीतेगा 100 का 100। चलो ठीक है जी, राम राम दाऊ जी। राम राम भाई। के विचार अभी चुनाव होने हैं अपने आदमपुर के हरियाणा का मुख्यमंत्री वाले, तो भाजपा ही सरकार किसी का अच्छी लगी के 5 साल हो गए? खूब लगी। अच्छा, करे वाह। के बनाया भाजपा ही सरकार? तनख्वाह बता दी के तरी? तनख्वाह बता दी। अच्छा, और काम थोड़ा करे आएंगे, काम बद घाटा कौन छोड़ रखा? भाजपा ने वोट दोगे? कुलदीप बिश्नोई का क्या विचार है? मतवाली को नहीं, सदा ही मैंने कुलदीप नहीं दिया, भजन लाल ने कुलदीप ने, अरीब कौन दिखावा कोर भी। ठीक है, तो राम राम भाई साहब। तो बता दी यार, मोदी ने दिया वोट कटर ने, फिर भी अपनी भी राय बताना। राय यही है, कटर रोजगार के प्रति नहीं नहीं, कटर को देना सही है भाई, बढ़िया सरकार है आज के दिन ये। अच्छा, आज के दिन मोदी सरकार सही है, कटर सरकार नहीं दिया वोट। कुलदीप विष्णु ये के माहौल गांव में भाई बेरा को नहीं मुकाम को राय को नहीं, बेरा पाड़ो कहां के तेरे कमी है समी है, ये चीज की कमी है, वो खुद बेरा पाड़ो, हम क्यों बेरा पाड़ा के जी के पास, हम तो जालिया दे देंगे, कुलदीप ने देके देख लिया, पहले पुराना दे देंगे देख लिया, दाब लिया, इतने साल हो गए मेरे याद आने में, यूं ही है उसने दिवाए कुलदीप ने, तारीफ कर दिया बंद,
ईव देवांगे खट्टर ने ईशा के कर दिया खट्टर ने वोट दोगे हैं सरकार ऊपर की चलन लग रही है अच्छी चलन लग रही है मोदी की। अच्छा मोदी ने वोट बस मोदी के नाम से देवा इसने। अच्छा। इसने वो खट्टर ने तो वो मोदी ने बनाया है मोदी तो काम बनाया ऊपर सुनेली काम बनाया और अपना देश के लिए करने लग रहे वो अकेले के लिए थोड़ी है पूरे देश के लिए करा मोदी के नाम पे वोट मोदी के नाम से वोट मिलना है खट्टर को कौन जाना था पहले खट्टर को जाना था मोदी के नाम से वोट खट्टर को मिले अभी खट्टर के नाम से ये थोड़ी मिला वोट मोदी के नाम से वोट मिला खट्टर को। हाँ चाहे वो उसका तो वो खुद बेरा पड़ो ना भाई क्या हाल है तेरा अपना गम तो फिर भी बेरा पटा है भाई क्या माहौल है मतलब टूट रहा है माहौल पीछे भी टूट गया टूट जाएगा अगले लोकसभा हम तो देख लिया पुराना दे देख देख लिया पूरे दिया करते हम हाथ में दिया करते ये दिमाग को नहीं प्रोग्राम कराया करता सदा ही प्रोग्राम कराया करता जांगड़ा समाज पूरा जांगड़ा समाज अरे कौन दे फर्क पड़ गया कौन दे कोई जांगड़ा समाज कौन दे नहीं नहीं कोई वो तो खुद ही देखो ना बहन कोई कोई यू ही कौन जाना है कि भाई वो गरीब है अमीर है अमीर वाला पैसे वाला के तो पैसे वाला चले जाएगा गरीब का घर तो गरीब ही जाओगा दिहाड़िया के घर पे तो दिहाड़िया ही जाओगा बड़ा नहीं जाएगा हैं बीजेपी में से गधा खड़े कर दे वो भी जीतेगा ये है हमारे अड्डे के मेन। चलो ठीक हाँ नमस्कार जी विचार बता दी हाँ बताना बोल के बता आपने विचार किमी को नहीं मन में आओ नहीं कर जाएगा क्या विचार है भाजपा की सरकार से कितना संतुष्ट हो खट्टर की आपा जाना है कोनी कौन सी सरकार है कौन सी ना है फिर भी वोट तो दिए है कौन सी वोट दे दे आप आग बेच के आओ जी आग बेच के तो वोट आग बेच के दे दे आप वोट आप आग विष्णु का क्या माहौल है कम है भाई आप जाना है कोनी पल पल तो डानिया मेरा तो जल्दी कुछ जाना ही कौन बस बताओ। चलो ठीक तो ये था भाई काली रमन गांव के अंदर चुनावी सर्वे और अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद।